पटियाले दाखला, इनू कुछ नहीं होया, ये सब गप मार दी है, कोई इनू बीमारी नहीं हैगी, इनू परमात्मा बीमारी लाऊगा, यह जी बीमारी लाऊगा तो कीड़े पैण गए। आ जी आ कहती है ना एक मछिंगला, तो साई नू की समझते ने, साई नू ही समझते ने, साई के नाते इन्होंने मोहर बना रखी है, कंपनी बना रखी है, पर जिदे साई का डंडा फिर ना इन्हों उदे इन्हों पता लगू भी हूँ साई का डंडा की करता है, परमात्मा का डंडा की करता है। ठीक है लोगों तो भज जाएंगे, गरीब लोग ने कम भी करना, इन्होंने नहीं बाले दिना सकनगे, पर परमात्मा तो एक महीने के मैं एक थापड़ के कहना गुरु का सिखा, मैं गुरु का सिख नहीं जे ना सारे बंदे मंजिया च हुए, पर मैं पंजाब सरकार को बेनती करदा भी अहेजे ठगा के नत्थ पाओ, प्रशासन को बेनती करदा, इन्हां ते सत्त परचे होए हुए आ, हुण जमानत ते आए हुए आ, पर ठग खुले फिरदे आ, प्रशासन के जो सत्त परचे पाए हुए आए जमानत ते, आ जमानत ते आया बंदा बाहर कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये हरे भी गलत काम कर रहे आ प्रशासन, ते असीं हुण इन्हां नूं ये दिखाउणा है। पंजाब सरकार नूं मेरी बेनती है कि अहेजे ठगा नूं जिहड़े गरीबां नूं लुट रहे ने, तुसीं आप तां गरीबां नूं नहीं कुछ देना, ये साडे जिहड़ी कमाई है खून पसीने की कमाई है, किसी ने जीरी लाई है, किसी ने मक वढ़िया, वह जिहड़े 10-10 हज़ार रुपया लोगों ने कमाया सी, वह ठग घरां दे विच जाके लैके आए आ, कोई इन्हां ने फोन ते फ्रॉड नहीं किया, घरां दे विच जाके लै, मेरे खुद घर दे विच जाके ये लैके आए आ। पहला असीं इन्हां नूं 6 हज़ार रुपया अपने अपने घरां दा दित्ता, ये कहिंदे जी साडा प्रोजैक्ट चल रहा, साडे 82-82 सौ रुपया असा, वो ये कहते जी फोन करके कहते सोडा प्रोजेक्ट चल रहा, असी सोडा डाटा चक रखे, तुम 4-5 मैंबर के होर सोडा 10 मैंबर के उस बीबी का, पर बीबी गुरजीत कौर बौली है, थोड़ी जी दिमाग की कहल करती है, इन्हें उन्होंने केस न बढ़ाया, हूँ इसे मांज के धर गए, ये बंदे ठग ने सारे ही पंजाब के वीर गुरमुख प्यारियां मेरे को वट्सअप से जोड़े ग्रुप चलते हैं, मैं उन्होंने भी बोल के पावगा कि इन्हां बंदियां दे झांसे दे विच आउण तों इलावा जे इह बंदे किसे कोले पहुंचदे ने बड़िया के भी आउंदे ने तां इन्हां बंदियां नूं घेर लो, बन्न लो ते सानूं करो फोन, फिर असीं इन्हां नूं दस्सांगे भी ठगी मारी दी किवें आ ते कढ़ाई दी किवें आ, क्योंकि इह फुद्दू धमकियां दिंदे आ साडे सामणे नहीं आउंदे, असीं इन्हां नूं कहिंदे आ सानूं टाइम दिओ साडे सामणे आओ फिर असीं तुहानूं दस्सांगे भी गरीब की हुंदे ने। अच्छा तुहानूं धमकियां भी आ रहियां? धमकियां आ रहियां सानूं फोनां ते, मेरे नाल गल धुप्पड़ भी हुई है इन्हां दी, ते काफ़ी कुछ करदे ने इह, बहुत कुछ करते हैं। दल पंथ नूं भी इन्होंने माड़ा बोलिया, कहते दल पंथ साडा की कर दू, पर दल पंथ बारे ये कुछ नहीं जानते भी दल पंथ ने जो आपका मोर्चा सामभ लिया ना, क्योंकि असं गुरसिख बंदे हाँ, ग्रंथी बंदा मैं बहुत पिंडा दे विच ड्यूटियां मेरे नाल गुड़प जुड़े हुए हैं, साडे सिंघां दे भी नंबर करे प्रसादा सकांगे, इन्होंने प्रसादा सकिया नूण हरामी बंदिया ने साडे घरे आ के प्रसादा सकिया, असं गुरसिख बंदे हाँ, असं गुरु नानक देव दे कमाई खाने हाँ। अच्छा इन्होंने नूण हरामिया ने साडे घरों प्रसादा सक लिया, मेरे आउंदे नूं तैयार हो गए जदों मैं आया, जदों इन्हां नूं आए पता लग्गिया भी हुण राम सिंह घरे आ गया, मैं हले गेट च आए निकल गए, क्यों इन्हां नूं पता सी भी राम सिंह जरूर सानूं फड़ूगा, क्योंकि संदीप सिंह दी गल मैं एक फड़ ली सी, इहने की कहा सी, कहिंदा साडा एक बीबी नाल रामपरे रौला जी, उहने साडे ते केस करता, महा जी उहने क्यों करिया, उह इह कहिंदा भी इस करके केस करिया भी उस बीबी दे मैंबरां दे असीं पैसे लैते सी, ते कुछ मैंबरां दे पैसे उस बीबी ने आप रख ले, तो कुछ मैंबरां दे असी पैसे पाते सी, जिहड़े मैंबरां दे पैसे उन्हें आप रखे सी वह मैंबरां ने उहदे ते आ के खट कट कर लिया, तो उस बीबी ने साडे ते इल्जाम लाए जी, उन्हें उहदे केस करता साडे ते मतलब जबरदस्ती का केस करता, मैं उत्थों मेरी सिंघनी नूं कहा भी ये मैनूं फ्रॉड लगता है, ये बंदे सही नहीं लगते, क्योंकि जो पहली केस करवाई फिरते आ पैसे उन्होंने नहीं खाधे, पैसे इन्हें नहीं खाधे होणगे, केस होया होया इन्हां ते उस बीबी का, किते ना किते बहुत वड्डे ठग आई इन्होंने साडे तो इलावा बहुत दुनिया लुटी आई, ते असी अक्या होया ने इस टिप चक्का के उन्होंने बार दे विच धरना ला रखिया, उन्होंने बेटा ते बहु अंदर आई ते ओ बाहरों ताला ला के आप अंदर बैठे हुए आई, असी गर्मी दे विच मर रहे हां, साडी कोई गल नहीं सुन रही, असी चाहुंदे हां कि इन्हां नूं किते ना किते फड़िया जावे, सीधा सारे प्रशासन नूं सारे लोगों नूं ये बेनती करदे आं कि जिथे भी इन्हां दी कोई फोटो देखदा तां असीं अपना नंबर पावांगे तां कि इन्हां नूं फड़िया जावे ते सानूं कॉल कीती जावे, तां कि किते ना किते इन्हां नूं सज़ा दित्ती जावे, असीं तां यही चाहुंदे आं जी। तुसीं प्रशासन दे ध्यान च नहीं लिआंदा हाले तक? लिआंदा जी, बरनाला प्रशासन नूं भी सारी गल दा पता जी, रामपुरा प्रशासन नूं भी सारी गल दा पता, ताकि ये जो कोई इन्हें फड़न की कोशिश करता है भज जाते हैं।
सत श्री अकाल जी, एलवीएस न्यूज चैनल देखते तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। उम्मीद करती हाँ कि तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। दोस्तों, एक पासे देखा जाए तो सरकार जिहड़े दो नंबरी काम करते हैं, रिश्वत लेंदे ने, उन्होंने परचे किए जाते हैं, उन्होंने फड़िया जाता है। पर जे एक पासे देखिए तो गरीब परिवारों का जिहड़ा ऑनलाइन तो ऑफलाइन सिस्टम चल रहा उहदे विच भी ठगियां हुंदियां ने, दिनों दिन जिहड़े लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। मेरे पिछे तुसी गरीब लोग देखते हो, ये भी कितना कितने ठगी का जिहड़ा शिकार हो चुके ने। की मामला पूरा आपां इत्थे पहुंचे जिहड़े लोग ने उन्हां नाल गलबात करदे आं। आंटी की नाम आ? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरजीत कौर है। कित्थों आए हो? महराज तो जी। महराज तो आंटी, ये मामला की है? तुसी एक घर दे अगे जिहड़ा खड़ के जे ठग भजाओ पंजाब बचाओ बोर्ड भी लगाया होया ते नारे ला रहे हो, की पूरा मामला की है? इना राजे आए इन्होंने सानू दो दो लख दा झांसा दे के, किसे तो 8200, किसे तो 9000, किसे तो 10000 फीस दे, मतलब लोन दा लोन दे भी, मतलब कहंदे इह फीसां दे के वी तुहानू 2 लख लोन देवांगे, ते कि 2 लख साढ़े तो पैसे लै ले ते सानू लोन नहीं दित्ता, सानू खाली चेक देते आ। ते जो असी फोन लाने ते बस सानू ऐ कहंदे 5 तरीक नू चेक ला दो, कोई कहंदे 10 नू ला दो, फिर किते कह दिंदे आ 3 महीने तक लगूगा हजे तुसी नहीं लाउणा। सानू लारे लाउंदे रहे, लारे लाउंदे रहे, जद के सानू असी इन्हां दे घर आउंदे रहे, तां कि हुण इह घर दे अगे ताला ला रख्या जी, ते सानू कहंदे वी इह सन वी असी तुहाडा कोई पैसा नहीं देना, असी नहीं लाउण देना, नहीं तुहाडे साडे पैसे वापस कर दे, असी चाहुंदे आ वी चलो साडे पैसे वापस किते, नहीं लाउण देना तां साडे पैसे वापस किते जाण। ते इह किते ना किते बहुत वड्डे ठग आ जी, इन्हां ने साडे तो इलावा बहुत दुनिया लुट्टी आई, ते असी अक्या होया ने इस टिप चक्का के उन्हां दे बार दे विच धरना ला रख्या, उन्हां दे बेटा ते बहू अंदर आई ते ओह बाहरों ताला ला के आप अंदर बैठे हुए आई, असी गर्मी दे विच मर रहे हां, साडी कोई गल नहीं सुन रही, असी चाहुंदे हां कि इन्हां नूं किते ना किते फड़िया जावे। सीता सारे प्रशासन नूं, सारे लोगों नूं ये बेनती करदे हां कि जिथे भी इन्हां दी कोई फोटो देखदा तां असी अपना नंबर पावांगे, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਛੱਡੇ ਵੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ 92-93 ਮੈਂਬਰ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆਈ। 92-93 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ 82-82 100, 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 82-82 100 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗਿਆ ਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗ ਲਿਆ ਹੋਣਾਗਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਮੱਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਬੀਬੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੂ ਦੀ ਭਾਈ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਤਾ, ਇਹ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਏਕ ਮਜੋਤ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਆ ਇਹ ਬੀਬੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸਕਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ, 8000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਉਣਗੇ। ਬੀਬੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗੀ ਆ, ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਲਈ, ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈ। ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ
जिस करके मैं ड्यूटी पर जाना पै गया मगरों बंद ठग के लै गए भी हुण तुसीं देख लो। इन्होंने उस दिन मेरे नाल गल्लां बातां कीतियां उत्थे साडे घरे मुलाजम आए हुए सी बजाज कंपनी दे उन्होंने सानू कहा भी तुसीं इन्हां नूं पैसे ना दिओ जे लोन पहलां दिंदे आ तां उहदे विचों कटा दिओ पर इह बंदे ने इन्हां दे कोई डुप्लीकेट एक तां ओम साई कंपनी दी मोहर बनाई हुई डुप्लीकेट इन्हां कोले एक वह फार्म बनाए हुए आ वह दिखा के यह अगले नूं मुलाजमान नूं भी दिखाए मुलाजमान नूं भी इन्होंने ऐ करवाता भी हाँ जी ये हैगी कंपनी। उदू बाद की होया इन्होंने उस दिन यह आ गए मैं चलिया गया अपनी ड्यूटी से दूसरे दिन तीसरे दिन इन्होंने फिर कहा साडे परिवार नूं भी प्रसादा तैयार करो असी सोडे घरे प्रसादा सकांगे। इन्होंने प्रसादा सकिया नूण हरामी बंदिया ने साडे घरे आके प्रसादा सकिया असी गुरसिख बंदे हाँ असी गुरु नानक देव दे कमाई खाने हाँ। अच्छा इन्होंने नूण हरामिया ने साडे घरों प्रसादा सक लिया मेरे आउंदे नूं तैयार हो गए जदों मैं आया जदों इन्हां नूं आया पता लग्या भी हुण राम सिंह घरे आ गया मैं हले गेट च निकल गए क्यों उन्होंने पता सी भी राम सिंह जरूर सानू फड़ूगा क्योंकि संदीप सिंह दी गल मैं एक फड़ ली सी इन्हें की कहा सी कहिंदा साडा एक बीबी नाल रामपरे रौला जी उन्हें साडे ते केस करता महा जी उन्हें क्यों करिया वह ये कहिंदा भी इस करके केस करिया भी उस बीबी दे मैंबरां दे असी पैसे लेते सी ते कुछ मैंबरां दे पैसे उस बीबी ने आप रख ले ते कुछ मैंबरां दे असी पैसे पाते सी जिहड़े मैंबरां दे पैसे उन्हें आप रखे सी वह मैंबर ने उहदे ते आके खट कट कर लिया ते उस बीबी ने साडे ते इल्जाम लाए जी उन्हें उहदे केस करता साडे ते मतलब जबरदस्ती का केस करता। मैं उत्थों मेरी सिंघनी नूं कहा भी ये मैनूं फ्रॉड लगता है बंदे सही नहीं लगते क्योंकि जो पहले केस करवाई फिरते हैं पैसे उन्होंने नहीं खाधे पैसे इन्हें नहीं खाधे होणगे केस होया होया इन्हां ते उस बीबी का पर यह बीबी गुरजीत कौर बौली आ थोड़ी जी दिमाग की कहल करती है इन्हें उन्होंने केस नबड़ाया हुण एसी नूं मांज के धर गए ये बंदे ठग ने सारे ही पंजाब दे वीरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं मेरे कोले व्हाट्सएप ते जिहड़े ग्रुप चलदे ने मैं उहनां दे विच भी बोल के पावांगा कि इन्हां बंदियां दे झांसे दे विच आउण तों इलावा जे इह बंदे किसे कोले पहुंचदे ने वड्या के भी आउंदे ने तां इन्हां बंदियां नूं घेर लो बन्न लो ते सानूं करो फोन फिर असीं इन्हां नूं दस्सांगे भी ठगी मारी दी किवें आ ते कढ़ाई दी किवें आ क्योंकि इह फुद्दू धमकियां दिंदे आ साडे सामने नहीं आउंदे असीं इन्हां नूं कहिंदे आ सानूं टाइम दिओ साडे सामने आओ फिर असीं तुहानूं दस्सांगे भी गरीब की हुंदे ने। अच्छा तुहानूं धमकियां वी आ रहियां ने धमकियां आ रहियां सानूं फोनां ते मेरे नाल गल धोपड़ भी हुई है इन्हां दी ते काफ़ी कुछ करदे ने इह बहुत कुछ करदे ने दल पंथ नूं भी इन्हां ने माड़ा बोलिया कहिंदे दल पंथ साडा की कर दू पर दल पंथ बारे इह कुछ नहीं जाणदे भी दल पंथ ने जदों आपदा मोर्चा सामभ लिया ना क्योंकि असीं गुरसिख बंदे आ ग्रंथी बंदा मैं बहुत पिंडां दे विच ड्यूटियां मेरे नाल गुड़प जुड़े हुए ने साडे सिंघां दे भी नंबर ने मेरे कोले सारा कुछ है ते असीं हुण इन्हां नूं इह दिखाउणा है पंजाब सरकार नूं मेरी बेनती है कि अहे जे ठग्गां नूं जिहड़े गरीबां नूं लुट रहे ने तुसीं आप तां गरीबां नूं नहीं कुछ देना इह साडे जिहड़ी कमाई है खून पसीने की कमाई है किसी ने जीरी लाई है किसी ने मक वढ़िया वो जिहड़े 10-10 हज़ार रुपया लोगों ने कमाया सी उह इह ठग घरां दे विच जा के लैके आए आ कोई इन्हां ने फोन ते फ्रॉड नहीं कीता ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 8200 ਰੁਪਿਆ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਲੋਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤਾ 32000 ਰੁਪਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਆ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 32000 ਰੁਪਿਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੂ 5 ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੰਘੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਅਖੀਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾਖਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਏਕ ਮਛਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ
जे ये ना सारे बंदे मंजिया च हुए, पर मैं पंजाब सरकार नूं बेनती करदा भी अहिजे ठगां दे नत्थ पाओ। प्रशासन नूं बेनती करदा, इन्हां ते सत्त परचे होए हुए आ, हुण जमानत ते आए हुए आ, पर इह ठग खुले फिरदे आ। प्रशासन दे जदों सत्त परचे पाए हुए आ, आए जमानत ते, आ जमानत ते आया बंदा बाहर कोई गलत काम नहीं कर सकदा, ये हरे भी गलत काम कर रहे आ। प्रशासन नूं बेनती है जे तां प्रशासन इन्हां दे नत्थ पाउंदी आ तां ठीक है, नहीं असीं आपदे वल्लों एक्शन लवांगे, दल पंथ दे नाल लवांगे। असी जिथे जिथे भी इन्हों के मकान ने सारे का पता कर लिया, सारे च दल पंथ के झंडे झुलन गए। हुण इन्हों की मर्जी आ, चाहे चाहे साढ़े नाल नरमाई नाल निबड़ लैन, जे गरमाई नाल निबड़ना उसनों भी असी तैयार हाँ। बाबा जी जिहड़ा तुहाडा अगला एक्शन आ उह की होगा? बीबी जी जिथों तक साथों पहुँचा गया असी पहुँचांगे, पर पैसे असी छड्डदे नहीं। असी दल पंथ नूं कहा तुसीं झंडे ला दिओ, साडे पैसे तुहाडी सेवा दे विच ने, सानूं कोई गम नहीं, पर इन्हां ठग्गां विच असी पैसे नहीं छड्डणे ते इन्हां ठग्गां तों पैसे लैके छड्डांगे। जिन्ना चिर साढ़े पैसे वापस नहीं हुंदे, नरमाई ना दे देणगे तां इन्हां दा सारा कुछ बच जूगा। इह जे गर्म होणगे, धमकियां देणगे तां झंडे लगणगे दल पंथ दे सारियां जगह ते, इक ते नहीं भदौड़ वाली ते भी, बाटका नगर वाली ते भी, सारियां जगह दा सानूं पता है। जिहड़ा इन्हां दा रेस्टोरेंट बनाया होया उहदा भी पता है, उत्थे भी दल पंथ दी सौणी बणूगी। सारिआं ते झंडे लावांगे, जे चंगी चाहुंदे आ तां साडे पैसे दे देण नरमाई नाल, नहीं फिर दल पंथ समझूगा हुण इन्हां नाल। दर्शकों इन्हों का कहना कि तुहानू किते भी मिलते हैं तो साढ़े नाल संपर्क किया जा सकता है। तो इन्हों के धरने से नहिंग सिंह भी पहुंचे हुए ने, आप उन्होंने भी गलबात करते हैं कि तुसी इस मामले पर की कहना चाहते हो? इस धरने के बीच पहुंचे ने नहिंग सिंह जथेबंदियों के आगू, आप उन्होंने भी गलबात करते हैं कि पूरा मामला की है। बाबा जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा जी जिहड़ा गरीब लोगों नाल धक्का होया इन्हां ठग्गां ने, इन्हां दे पैसे जिहड़े ठग्गे ने, ते तुसीं उत्थे की कहना चाहुंदे हो धरने दे विच पहुंचे? असीं कहना चाहुंदे हां कि जी ये जो मैटर आया सी साडे कोले दल पंथ कोले, कि जिहड़े एक एक बंदे तों 82-82 सौ रुपया लैता गया, इन्हां नाल ठगी वजी है। ते ओह बंदे साडे कोले दल पंथ कोले आए सी, कहिंदे बाबा जी साडा कॉम्प्रोमाइज करा दो। ते असीं उन्हां नूं दित्ता सीगा टाइम 5 बजे दा 22 तरीक नूं, ते ओह अपनी जवान ते खरे नहीं उतरे बाबा जी। ते दूसरी गल, उन्हां नूं कल थाने दा टाइम दित्ता सीगा 5:30 बजे दा कि थाने च पहुंचो ते आपां तुहाडा कॉम्प्रोमाइज कराइए, जो भी हुंदा आ तुसीं इन्हां दे पैसे दो। ते ओह उत्थे भी नहीं उतरे बाबा जी जवान ते, ते सानू जथेदार बाबा सुखपाल सिंह जी रामपुरा फूल, उन्हां दी फौज वल्लों भेजिया गया कि तुसीं जाके मोर्चा लाओ। असीं इत्थे मोर्चा लाया होया, दल पंथ इन्हां दे नाल खड़ा आ। जिहड़ी बणदी कारवाई आ दल पंथ वल्लों कीती जाएगी। इन्हां नूं टाइम दिंदे आ अज रात 12 बजे दा, उस तो बाद दल पंथ आपदी कारवाई आप करेगा। इत्थे निशान साहिब झूलणगे इन्हां दीआं कोठियां ते, कल्ले इत्थे नहीं इन्हां दीआं 5-7 कोठियां होर ने, उत्थे भी दल पंथ आपदा आउण वाले समें च घोड़े बन्नणगे ते उत्थे निशान साहिब लगणगे, दल पंथ गजूगा उत्थे, ते जो अगे कारवाई होगी वो दल पंथ आप करेगा। जो अज रात दा इन्हां नूं 12 बजे दा टाइम दिंदे आ जी दल पंथ वल्लों, कि अज रात 12 बजे तक साडे नाल आके गलबात करन, इन्हां गरीबां लोकां नाल जिन्हां नाल धक्का होया, ठगी मारी आ, उन्हां दे पैसे देण, इह ते साडे कोले मन्ने भी आ कि असीं पैसे देने आ। तो दल पंथ इन्हां नूं अज रात 12 बजे दा टाइम दिंदा, क्योंकि इन्हां ने दल पंथ नाल भी वधीकियां कीतियां, दल पंथ नूं भी उच्चा नीवा बोलिया। इह कहिंदे सी कि दल पंथ किन्ने क पाणी च असीं देख लांगे, दल पंथ नाल इह कह नहीं सकदे, असीं अकाल पुरख दी साजी हुई फौज आ, साडे नाल जिहड़ा पंगा लैंदा अड़े सो झड़े झड़ जांदा आ। इन्हां नूं दसना चाहुंदे आ कि जिहड़ी अगली कारवाई आ 12 बजे तों बाद, रात दे 12 बजे तों बाद अगली कारवाई दल पंथ आप साजेगा, आप समझेगा। इन्हां नाल जो इन्हां दीआं कोठियां ने उन्हां ते भी कब्जा कीता जाएगा, ते इन्हां नूं बन्न के असीं जिहड़ा साडा स्थान आ रामपुरे फूल उत्थे लै के जावांगे। इन्हां दे नूंह ते पुत अंदर बैठे ने, 12 बजे तों बाद रात तों असीं इन्हां नूं दोनों नूं बन्न के उत्थे लै के जावांगे। इह आप दे आप जिम्मेवार होणगे, दल पंथ वल्लों चेतावनी है इन्हां नूं। जे फिर भी बाबा जी उन्हां ने कोई भी कारवाई जां तुहाडे कहिण ते ना आए तां तुहाडा जिहड़ा संघर्ष आ होर किन्ना तिखा होवेगा? जो दल पंथ वल्लों कीता जाएगा वह फिर यह होगा, इन्हां नूं लभ के बन्न के लिया के असीं आप दे मुताबक इन्हां नूं सोधा लावांगे, ठीक है। इन्हां दी कुटमार भी कीती जाएगी, जो होगा वह दल पंथ इन्हां नाल आप समझो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खुशियां दे जकारे लावे माता साहिब कौर दे मन नूं भावे, सुन के निहाल हो जावे
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੇ ਇਹ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 85-85 ਸੌ ਰੁਪਇਆ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਭਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੀ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਦਵਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਚੈੱਕਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੈੱਕ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਆ ਗਏ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਡਮ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਦੋ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ